दोस्तों, आज की हमारी कहानी मेरे साथ हुए एक बहुत ही दिलचस्प इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। पता नहीं इसे दिलचस्प कहना भी चाहिए है या नहीं। आखिर सफर में 2 लाख रुपए खो देना कोई दिलचस्प बात तो नहीं है। खैर, आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि मेरी कहानी सैड है या फिर दिलचस्प। ये बात है 2015 यानी 2015 की। मैं अपने एक रिलेटिव के साथ मालदीव्स घूमने जा रही थी। मालदीव जाने का ये मेरा पहला टाइम था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। फ्लाइट मुंबई से श्रीलंका और फिर माले जाने वाली थी। माले से एक वाटर प्लेन यानी एक ऐसा प्लेन जो कि पानी पर लैंड करता है, हमें मालदीव के आइलैंड पर ले जाने वाला था। हमने ट्रैवलिंग और शॉपिंग के लिए 2 लाख इंडियन रुपीज के अमाउंट को डॉलर्स में कन्वर्ट करा लिया था और सोचा था कि खूब मस्ती करेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। हमने हमारे सभी आईडीज, डॉलर्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जरूरी चीजें एक ही वॉलेट में रख दी थी। खैर, मुंबई से हम श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका का एयरपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था, बस देखते ही मजा आ गया। बुद्धा जी की एक बहुत ही बड़ी और आलीशान मूर्ति सामने थी, बड़ी ही मेस्मराइजिंग। हमने उनके सामने हाथ जोड़े और एक कैफेटेरिया में पहुंच गए। श्रीलंका में हमें 8 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करना था मालदीव जाने वाली फ्लाइट का। हमने अपने लिए श्रीलंका की स्पेशल कॉफीज ऑर्डर की और जैसे ही पेमेंट करने के लिए वॉलेट ढूंढा तो वॉलेट गायब था। हम वहां से भागे भागे फ्लाइट की ओर गए। हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि फ्लाइट की सफाई शुरू हो चुकी थी। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अंदर जाकर वॉलेट ढूंढा और कहा कि उसे अंदर कुछ नहीं मिला। मेरी फ्लाइट के लोगों से बहुत बहस हुई पर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की और ना ही मुझे अंदर जाने दिया। हम लोग बहुत सैड मूड के साथ एक लाउंज में जाकर बैठ गए। अब जो हुआ वो सबसे दर्दनाक था। पेट में भूख थी पर जेब में पैसे नहीं थे। मैं सब लोगों को खाना खाते देख रही थी। पहली बार पैसे का मोल पता चला और भूख का भी। इस समय मुझे मेरी मम्मी याद आ गई कि कैसे वो खाने की थाली लिए मेरे पीछे पीछे घूमती हैं और मैं खाना खाने में नखरा दिखाती हूँ। मजे की बात तो ये थी कि 8 घंटों में खाली बैठे मैंने एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि कौन क्या खा रहा है, कौन कैसे खा रहा है। कोई बड़े एलिगेंस और स्टाइल से खा रहा था तो कोई चप चप करके, किसी की गर्लफ्रेंड अपने हाथों से अपने बॉयफ्रेंड को खाना खिला रही थी तो किसी का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को, कोई गुस्से में खा रहा था तो कोई मजे में तो कोई जल्दी जल्दी में। पूरे 8 घंटे मैं लोगों को खाना खाते ही देखती रही और सोचती रही कि काश कुछ तो खाने के लिए साथ में ले लिया होता। पर हमने मुंबई से निकलते हुए ये सोचा था कि हम सब चीज़ें बाहर से ही खरीद कर खाएंगे, इसलिए मैंने ट्रैवल में कुछ भी खाने की चीज़ साथ नहीं ली, मूंगफली तक भी नहीं। बस एयरपोर्ट पर फ्री में फाउंटेन के नल से पानी ही पी सकती थी। जैसे तैसे हमने खाने के रंग बिरंगे सपनों में 8 घंटे बिताए और माले की फ्लाइट ली। सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि फ्लाइट में रखे क्रैकर्स इससे पहले मुझे कभी इतने टेस्टी नहीं लगे। जब हम लोग माले पहुंचे तो वहां रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। एयरपोर्ट बंद हो गया था इसलिए हमें एयरपोर्ट के बाहर जाने को कहा गया। हमारा वाटर प्लेन जो कि हमें मालदीव्स ले जाता वो अगले दिन दोपहर में था। हमें बुकिंग के समय कहा गया था कि रात को माले पहुंचकर हमें एक लाउंज में भेजा जाएगा, पर वहां जाकर पता चला कि लाउंज सुबह 6 बजे खुलती है। जैसे मुसीबतों का पहाड़ बस एक ही दिन में हमारे सर पर टूटना था। श्रीलंका में कम से कम एयरपोर्ट पर बैठने की जगह तो थी, पर यहाँ माले में तो हमें एयरपोर्ट से ही बाहर भेज दिया गया। और क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था इसलिए बाहर एयरपोर्ट पर बैठने के लिए कोई चेयर्स भी नहीं थी। अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। हम दोनों अकेले बाहर एयरपोर्ट पर अपने अपने सूटकेसेस पर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। अब वहाँ पूरे एयरपोर्ट पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अनजान देश में अंधेरे में अकेले बैठे हमारी जान निकल रही थी कि अचानक से 2 आदमी हमारे पास आए और बोले कि हम दोनों आप दोनों को पास के एक होटल में ले जाने आए हैं, आप दोनों की वहाँ बुकिंग है। हम हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि ये दोनों कोई गलत लोग हैं, हमें अकेले देख हमें नुकसान पहुँचाने आए हैं। हमने उन्हें वहाँ से जाने को कहा और कहा कि हमने कोई बुकिंग नहीं की है माले में, हमें कल मालदीव जाना है,
पर वो लोग वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे और फिर कहने लगे कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी फ्री बुकिंग है जो कि आपके मालदीव्स के रिजॉर्ट ने आपको दी है। अब तो हम समझ गए कि आज तो हमारा किडनैप या मर्डर पक्का है। अच्छे खासे हट्टे कट्टे वो दोनों आदमी हमें अपनी बोट पर आने के लिए जिद करते रहे कि अचानक से उन दोनों में से एक आदमी ने एक लिस्ट निकाली और हमसे पूछा, क्या आप दोनों के नाम प्रिया और राहुल हैं? हमारे नाम सुनते ही हम चौंक पड़े। हमने पूछा, तुम्हें हमारे नाम कैसे पता? उन्होंने वो लिस्ट हमें दिखाई, वहाँ हमारे फुल नेम्स लिखे हुए थे। ये सोच कि पूरी रात अंधेरे में काटने से अच्छा तो यही है कि जो ये लोग कह रहे हैं वही मान लेते हैं। हाँ, बस मन में ईश्वर का नाम लिया और उनकी बोट पर बैठ गए। काली रात में बोट पर अजनबियों के साथ वो काला पानी और अंधेरी रात और भी काले और डरावने लग रहे थे। पता नहीं था कि आज हम किसी होटल में पहुंचेंगे या सीधा भगवान के घर पर। हमारी धड़कनें बड़ी हुई थी, फिर भी हम सचमुच एक होटल के बाहर पहुंच ही गए और वहां सच में हमारे लिए कमरे भी बुक थे। हमने रात अच्छी नींद ली, सुबह होटल के लाउंज में पेट भर फ्री में ब्रेकफास्ट किया और फिर एक कार आकर हमें एयरपोर्ट के बाजू वाली लाउंज पर ले गई। वहां हमने जमकर फ्री में लंच किया और अपने वाटर प्लेन का इंतजार करने लगे। हमारा वाटर प्लेन आया और हमें हमारी मालदीव्स की रिजॉर्ट पर ले गया। वाह, क्या नजारा था! चारों तरफ बस पानी ही पानी था। हर आइलैंड पर सिर्फ एक ही रिजॉर्ट था। हमारा रिजॉर्ट भी पानी के बीचों बीच ही था, इसलिए सिर्फ बोट या वाटर प्लेन से ही एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जा सकता था। दोस्तों, स्वर्ग अगर धरती पर कहीं है तो सचमुच मालदीव्स में ही है। बैंड बाजे के साथ ट्रेडिशनल मालदीवियन स्टाइल में हमारा रिजॉर्ट पर स्वागत किया गया। हमें पीने के लिए ट्रेडिशनल ड्रिंक्स दिए गए। होटल में चेक इन से पहले होटल रिसेप्शन वालों ने हमारा क्रेडिट कार्ड मांगा। हमने उन्हें हमारे साथ हुई सारी घटना बताई। ये सब सुनने के बाद होटल वालों ने हमें होटल में आने की परमिशन नहीं दी और कहा कि जब तक कोई पेमेंट मेथड हम उन्हें नहीं दिखाएंगे तब तक हमें हमारे रूम्स में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। अब तो मेरा रोना ही छूट गया। 4 दिन बाद की फ्लाइट थी मुंबई की, वापस भी नहीं जा सकते थे। समुन्द्र के बीचों बीच क्या पानी में 4 दिन काटते? पर होटल के ओनर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी और हमें रूम्स में जाने को कहा। कुछ देर बाद होटल के ओनर हमें हमारे रूम पर आकर मिले और कहा कि हमें हमारे बैंक को फोन करना चाहिए है। उनकी सलाह पर हमने बैंक को फोन किया। बहुत कोशिशों के बाद बैंक ने उस होटल में हमारा सब पेमेंट अप्रूव कर दिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ रिजॉर्ट में कुछ एक्टिविटीज और फूड इंक्लूडेड थे, तो रिजॉर्ट में 4 दिन हमारे आराम से निकल गए। फनी बात तो ये है कि होटल में जिन कुछ चीजों का हमें पैसा देना चाहिए था उसका भी होटल वालों ने हमें चार्ज नहीं किया। सब वेटर्स और कॉन्सियर्ज जानते थे कि हम दोनों कंगले यानी ब्रोक हैं, फिर भी उन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी यानी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी। हम वेटर्स को कुछ पैसे टिप में देते, उसकी जगह वो लोग ही हमारे लिए फ्री चीजें कमरे पर छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। दोस्तों, बिलीव मी, यूजुअली इतना बड़ा ट्रॉमा इतनी जल्दी दिमाग से जाता नहीं है। फिर भी दोस्तों, हमने हमारे 2 लाख रुपए खोने का गम मनाने की बजाय मालदीव्स में हर मोमेंट को हर मिनट एंजॉय किया। वापस जाते हुए होटल वालों ने हमें बहुत अच्छा फेयरवेल दिया और ओनर ने हमें फ्री में मालदीव्स के सुविनियर्स भी दिए। वाटर प्लेन से हम वापस माले आ गए। मुंबई की फ्लाइट को अभी 5 घंटे बाकी थे। हमें लाउंज वालों ने ऑप्शन दी कि या तो हम 4 घंटे माले की मार्केट घूम आए या फिर लाउंज पर ही बैठे रहें। वो लोग हमें माले की मार्केट का कार से फ्री पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ दे रहे थे। इस बात पर मुझे मेरी माँ के मुँह से सुना हुआ एक मुहावरा याद आ गया कि पैसा नहीं पास तो मेला लगे उदास। जब पैसा ही नहीं था तो मार्केट घूम कर क्या करते? और साथ ही जो हाल हमारा बिना पानी और खाने के हुआ था उसे याद कर हमने लाउंज पर ही रहने का फैसला किया। उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी में कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बिना पैसों के हम दुनिया में कुछ भी नहीं थे, ना खाना मिला ना पानी। इतनी दूर जाकर भी कहीं मार्केट तक घूमने नहीं गए, ना कोई एडवेंचरस एक्टिविटी कर पाए, ना कोई शॉपिंग की। अगर मालदीव्स के होटल में इतने अच्छे लोग ना मिले होते तो ना जाने हमारा क्या हुआ होता। इसलिए दोस्तों, जिंदगी के हर पल को मजे में जियो, क्योंकि अगला पल क्या दिखाएगा हम नहीं जानते। जिसके साथ भी हो,
उस इंसान की कंपनी को एंजॉय करो। जहां भी हो उस वक्त और जगह को एंजॉय करो। जेब में अगर 10 रुपये भी हो तो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझो, क्योंकि जीवन में कोई पल ऐसा भी हो सकता है जब हम बहुत अमीर होकर भी गरीब ही महसूस करते हैं, और कभी जेब में सिर्फ 2 रुपये होते हुए भी हमें दुनिया की हर चीज अच्छी लगती है। सब दिल की खुशी और मन के विचारों का खेल है। मुंबई पहुंच, टैक्सी से घर आ, जब मैंने घर से वॉलेट लाकर टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए, तब अपना खोया हुआ वॉलेट याद कर मेरा दिल बहुत उदास हुआ। सच बताऊं, मालदीव्स में हुआ ये हादसा एक ऐसा वाकया है जो मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी माँ कहती है, पैसा खर्च हो जाए तो बुरा नहीं लगता, पर खो जाए तो बहुत बुरा लगता है। उस दिन पहली बार उस मुहावरे का सही मतलब समझ आया, जो कि अब जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक दिलचस्प सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे शेयर जरूर करना। मैं आपकी कहानी भी सभी लोगों तक अपने पॉडकास्ट के थ्रू पहुंचाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।